जना, आज जिस खास मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, और इसमें खास तौर पे जो इंटरेस्ट है वो हमारे नौजवान लड़कों के लिए है, क्योंकि जो खास तौर पे जिम जाते हैं या स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, कॉमन पूल्स में या ऐसी जगह पे जहाँ ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, तो उनके लिए ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो और मेडिकल रिलेटेड वीडियो है। क्योंकि हमारी ओपीडी में, मेडिकल ओपीडी में, एक बहुत बड़ी स्किन डिजीज़ जो कि रिंग वॉर्म्स की तरह की होती है, यानी ऐसी फंगस जो कि दायरों की सूरत में होती है, और स्पेशली आपकी थाइस की बैक साइड पे या आपके पेट के निचले हिस्से पे या आपके बाजू के आर्म पेट्स के नीचे ऐसी जगहों पे मौजूद हो सकती है, या पाँव की उंगलियों के दरमियान, जिसको एथलीट फुट भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ी खास और मज़ेदार इंफॉर्मेशनल वीडियो है आज की, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी है हमारी लाइफ पे। याद रखें कि जैसे जिम में जाना या एक्सरसाइज करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। मसलन ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको ब्लड प्रेशर कम कर सकती है, आपकी वेट रिडक्शन कर सकती है, आपकी ओबेसिटी कम कर सकती है, आपकी डायबिटीज कम कर सकती है। लेकिन याद रखें कि ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, इनमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या हैजर्ड हो सकते हैं, और उनमें से एक खतरा है स्किन इन्फेक्शन, जो आपको जिम से लग सकता है या कॉमन ऐसी जगहों पर जहाँ स्विमिंग पूल्स हों या चेंजिंग रूम्स हों, वहाँ से लग सकता है। अब इसकी वजह क्या है? एक खास किस्म का फंगस जिसे टीनिया कारपोरियस कहा जाता है, ये रिंग वॉर्म्स कहलाते हैं आम जबान में। इनमें क्या होता है कि ये स्किन के ऊपर आपको छोटे छोटे जिल्द पे गोल गोल दायरे बना देते हैं, और खास तौर पे ये दायरे बहुत ज्यादा इचिंग करते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा खारिश होती है, और ये इन्फेक्शन बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। याद रखें कि एथलीट फुट पाँव की उंगलियों के दरमियान होता है, और ज्यादातर ये इसलिए होता है कि आपके जो पाँव की सॉक्स हैं, जॉगर्स हैं, वो हर वक्त गीले रहते हैं। तो जिम में ये क्यों ज्यादा होता है, इसकी वजह क्या है? नॉर्मली बहुत से लोगों ने जिम के अंदर या तो शॉर्ट्स पहन रखे होते हैं और उनके थाइस जो हैं वो नेकेड होते हैं, और उनमें अगर किसी को रिंग वॉर्म है तो वहां से जो पसीना निकलता है वो आपके बेंच के ऊपर या आपके जो आप मैट बिछाते हैं, आपका योगा मैट जो है उसके ऊपर वो पसीने के कतरे लग जाते हैं। और जब कोई हेल्दी आदमी या सेहतमंद आदमी उस जगह पर एक्सरसाइज करने लगता है तो वो उसकी स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये कि अगर किसी ने बहुत टाइट ट्राउजर्स पहने हैं, बहुत टाइट टी शर्ट्स पहनी हैं, तो उन पे जो पसीना लगता है वो भी उसके ऊपर गिरता रहता है, और उस पसीने से दूसरे बंदे को ये लग सकता है टीनिया कारपोरियस। इस तरीके से आपको स्किन का इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे तक जिम की वजह से हो सकता है। ये बड़ा कॉमन है, इसलिए हम जब भी ऐसे पेशेंट देखते हैं तो उनसे जिम की हिस्ट्री जरूर लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया, जो कि आपको एथलीट फुट कहलाता है, इसमें सबसे पहली बात कि किसी ऐसे शूज से आपको हुआ जिस शूज के अंदर फंगस थी, या आपकी वो सॉक्स जो बहुत ज्यादा वेट रहती हैं, गीली रहती हैं, या आप उस चेंजिंग रूम में जहां पे आप फर्ज कर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और कॉमन चेंजिंग रूम है या शावर रूम जो कॉमन है, आप वहां पे नंगे पांव हैं तो आपको वहां से फंगस लग सकती है। अब इसके बचाव के तरीके क्या है कि अगर आप ये बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? नंबर वन, कोशिश करें कि आप जिम में थोड़े लूज कपड़े पहने, ताकि आपका पसीना आपके कपड़ों के साथ जजब हो और वो किसी और जगह को वो खराब ना करे, उसको पोल्यूटेड ना करे। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग है तो आप कोशिश ये करें कि अपना योगा मैट या अपना जो आपका वो है जिस पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस बेंच को आप अपने किसी भी टॉवल से जरूर साफ करें। ये अखलाकी फर्ज है आपका, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने उस स्वेट को वहां से साफ करें। और तीसरी बात, अगर आपको रिंग वॉर्म है या आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है, तो मेहरबानी फरमाकर आप उन दिनों में कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लें, या अपनी उन तमाम चीजों को पर्सनल यूज करें, घर के ऊपर जिम करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरी बात, अगर आपने आपको ये इन्फेक्शन है या आपको डर है कि अगर आपकी वजह से किसी को हो जाएगा, तो आप अपना कुछ दिन के लिए घर में इंतजार करें। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं और आपने देखा है कि आपने जिम में जाना है, तो फिर आप अपना डिसइंफेक्टेंट साथ रखें, आप खुले कपड़े पहने डिसइंफेक्टेंट के साथ वो सारी जगह को साफ करें, और फिर उसके बाद आप वहां से एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज करने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं, अपना चेहरा धोएं, और घर जाते ही आप साफ शावर लें और अपने कपड़ों को भी साफ करें और अपने आप को भी साफ करें। इन तमाम चीजों के साथ साथ आप अपने फुट केयर का ख्याल रखें। आपने वो शूज यूज करने हैं जिनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, या आपने वो सॉक्स यूज करनी है जो बहुत ज्यादा वेट ना हो। और एक बात का खास ख्याल रखें, अगर आपको फंगस या एथलीट फुट या आपको टीनिया कारपोरियस हो चुका है, तो फौरन से पहले अपने करीब तरीन डॉक्टर से रजू करें
और अपना इलाज मुकम्मल करें। नॉर्मली इसका इलाज कम अज कम 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते चलता है और फिर ये खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सबका हामी और नासिर हो।